स्टेशनरी और स्ट्रक्चर फॉर्मिंग कंपोनेंट और दूसरा होता है मूविंग और मैकेनिज्म फॉर्मिंग कंपोनेंट जो कैम साफ्ट है यह मूविंग और मैकेनिज्म फॉर्मिंग कंपोनेंट के अंतर्गत आता है तो सबसे पहले देखते हैं कि जो कैम्प है वो दिखने में कैसी होती है डायग्राम आपको नजर आ रहा है जो कैम है इसमें अगर हम बात करें अलग अलग पार्ट होते हैं वो पार्ट इस प्रकार से हैं इसमें ये एक साफ्ट होती है साफ्ट के ऊपर कैम लोब्स लगे होते हैं जिसे हम बम्प्स भी कहते हैं इसके अतिरिक्त यहाँ पर इसमें एक टाइमिंग गियर होता है स्प्रोकेट इसमें लगा होता है कैम बियरिंग जर्नल होते हैं कैम बियरिंग्स भी होते हैं ये इसके मेन पार्ट होते हैं और कैम साफ्ट को हम कास्टिंग के द्वारा भी बना सकते हैं फोर्जिंग के द्वारा भी इसको बनाया जा सकता है और लेथ या मिलिंग मशीन पर मशीनिंग करके भी कैम साफ्ट को मनुफैक्चर किया जा सकता है इसको बनाने के लिए जो मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं वो कास्ट आयरन हो सकता है फोर्ज स्टील हो सकता है तो अब बात करते हैं कि जो कैम सॉफ्ट है इसे किस लिए यूज़ किया जाता है एक प्रकार से जो कैम साफ्ट है ये हमारा रोटेटिंग पार्ट होता है ये रोटेट करता है और इसका मेन कार्य रहता है कि जो इनलेट और जो एग्जोस्ट वाल्व होते हैं उसको प्रॉपर टाइम पर ओपन करना या फिर क्लोज करना ये कैम साफ्ट का मेन कार्य रहता है ये सारा कार्य कैम लोब्स की मदद से किया जाता है अब बात करते हैं कि इसके जो फंक्शन है उसको तीन तरह से कैटेगराइज किया गया है पहला फंक्शन होता है कि राइट right टाइम पर सेक्शन स्ट्रोक के दौरान जो इनलेट वाल्व होता है उसको ओपन करना ताकि कमशियन चैम्बर में हवा एयर या फिर एयर और फ्यूल का जो होमोजेनियस मिक्सचर है वो एंटर कर सके दूसरा एग्जोस्ट स्ट्रोक के दौरान टाइमली एग्जोस्ट वाल्व को ओपन करना ताकि जो कमशियन चैम्बर में मौजूद बरंट एग्जोस्ट गैसेज हैं वो एग्जिट कर जाए बाकी जो टाइम बचता है जो कंप्रेशन या फिर एक्सपेंशन का टाइम होता है उस दौरान इनलेट और आउटलेट वाल्व जो एग्जोस्ट वाल है उनको क्लोज रखना ये मेन कार्य कैम साफ्ट के द्वारा किया जाता है और कैम साफ्ट की अगर हम बात करें ये जो क्रैंक साफ्ट होती है उसके साथ ये कनेक्टेड होता है चेन की मदद से या फिर बेल्ट ड्राइव की मदद से या फिर गियर की मदद से ये आपस में कनेक्टेड होते हैं और जो क्रैंक साफ्ट रोटेट करती है उस रोटरी मोशन को चैन ड्राइव की मदद से स्प्रोकेट्स की मदद से कैम साफ्ट में भेजा जाता है और कैम साफ्ट जो रोटरी मोशन होती है उसको रेसिप्रोकेट मोशन में उसको कन्वर्ट करने का कार्य भी करती है तो अब बात करते हैं कि जो अलग अलग पार्ट हैं कैम साफ्ट के उनका क्या कार्य रहता है सबसे पहले अगर हम बात करें जो कैम साफ्ट में जो ये साफ़्ट होती है साफ्ट एक प्रकार से स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर का कार्य करती है और जो इंजन रनिंग के दौरान जो भी फटीक लोड होते हैं उसको बियर करने का कार्य भी यह करती है और कैम साफ्ट के बाकी जो भी कंपोनेंट्स हैं वो साफ़्ट के ऊपर ही माउंटेड होते हैं उसके बाद आता है कैम लोब ये अगर हम देखें कैम लोब आपको नज़र आ रहा है यहाँ ये डायग्राम में तो कैम लोब का मेन कार्य क्या होता है कि जो वाल्व है उसको ओपन करना या फिर क्लोज करना और जो स्पीड होती है कैम लोब की वो बेसिकली इंजन स्पीड पर ही डिपेंड करती है और जो साफ़्ट होती है जब वो रोटेट करती है तो ये कैम लोब भी रोटेट करता है और जो वाल्व्स होते हैं उसको ये पुश करता है किसके माध्यम से अगर आप देखें तो यहाँ पर जब वाल्व ओपन होता है और इसका जो ये वाला जो पोर्शन है तो जब ये ऊपर होगा ये वाली जो नोब है तो उस दौरान लिफ्टर पुश रोड और रोकर आर्म की मदद से जो वाल्व है वो ओपन हो जाता है जब ये राउंड पार्ट पे हमारा जो कैम लोब आएगा उस दौरान क्या होगा कि जो लिफ्टर पुश रोड और जो रोकर आर्म है उसकी मदद से ये जो वाल्व है ये बंद हो जाएगा तो इस प्रकार से वाल्व को ओपन और क्लोज किया जाता है जो कैम लोब की पोजीशन के आधार पर और ये जो रोटेशन हमें मिलती है वो क्रैंक साफ्ट से मिलती है जिसे चेन ड्राइव बेल्ट ड्राइव या फिर गियर की मदद से कैम साफ्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है और उसके बाद हम यहाँ पर इसको रेसिप्रोकेटरिंग मोशन में इसको चेंज कर देते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें अगर हम देखें जो बियरिंग जर्नल uh, की अगर हम बात करें ये भी रोटेटिंग पार्ट होता है क्योंकि ये भी साफ़्ट में माउंटेड है तो ये भी रोटेट करता है जब साफ्ट रोटेट करती है और एक प्रकार से ये जो फॉलोवर होते हैं यहाँ पर अगर हम देखें ये वाला पोर्शन जो है जो लिफ्टर के साथ यहाँ फॉलोवर के साथ ये काफ़ी कॉन्टैक्ट में रहता है ये जो कैम बेरिंग जर्नल है और ट्रांसफॉर्म करता है रोटरी मोशन को ये लीनियर मोशन में और एक प्रकार से ये साफ़्ट को करेक्ट पोजिशन में होल्ड करने का भी कार्य करता है और कैम साफ्ट के ऑपरेशन के दौरान फ्रिक्शन लोसिस को भी कम करने का कार्य करता है उसके बाद बात करते हैं कैम बेरिंग या बेरिंग सेल की अगर हम बात करें ये जो बेरिंग जर्नल होता है एक प्रकार से ये इसके ऊपर ही माउंट होता है और जो कैम साफ्ट की जो रोटेशन है उसको स्मूथ करने में मदद करता है और प्रोटेक्ट करता है जब इंज कई बार क्या होता है कि जो इंजन फेलियर हो जाता है तो उस दौरान वियर एंड टीयर को भी ये प्रोटेक्ट करने में मदद करता है तो उसके बाद अगर हम बात करें एक होती है थ्रस्ट प्लेट जो यहाँ पर साइड में लगी होती है ये आप देख सकते हैं इस टाइप से जो थ्रस्ट प्लेट बेसिकली सपोर्ट करती है जो रियर ऑफ द इंजन है जो पीछे की जो साइड होती है वहाँ उसको वो सपोर्ट करने का काम करती है और ये जो कैम होती है और जो टाइमिंग गियर होता है जो टाइमिंग गियर है और जो कैम है उसके बीच में ये एक प्रकार से लगी होती है और फ्रंट कवर पर ये माउंटेड होती है जो फ्रंट कवर होता है अब बात करते हैं कि जो क्रैंक साफ्ट है वो कितने टाइप की होती है क्रैंक साफ्ट बेसिकली दो टाइप की होती है एक होता है एस ओ एच सी जिसका मतलब है सिंगल ओवरहेड क्रैंक साफ्ट डी ओ एच सी जिसका मतलब है डबल ओवरहेड क्रैंक साफ्ट तो सिंगल का मतलब जैसे नाम से ही पता चलता है इस केस में सिर्फ एक ही कैम साफ्ट का हम इस्तेमाल करते हैं और उस कैम साफ्ट के द्वारा ही जो इनलेट और एग्जोस्ट जो वाल्व हैं उन दोनों को कंट्रोल किया जाता है या ऑपरेट किया जाता है और जो डी ओ एच सी है डबल ओवरहेड क्रैंक साफ्ट इस केस में हम दो कैम साफ्ट का इस्तेमाल करते हैं एक कैम सॉफ्ट पर इनलेट वाल्व को ऑपरेट किया जाता है, दूसरी कैम सॉफ्ट को ऑपरेट किया जाता है तो अब बात आती है कि कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं। जो एस ओ एच सी है इसका डिजाइन अगर हम देखें वो सिंपल डिजाइन होता है जबकि डी ओ एच सी का डिजाइन कॉम्प्लेक्स होता है जो डी ओ एच सी है ये एडवांस वर्जन होता है एस ओ एच सी का और जो सिंगल ओवरहेड कैम कैम्पसाफ्ट है इस केस में हम रोक आर्म का इस्तेमाल करते हैं जो आप यहां पर देख सकते हैं वाल्व की मूवमेंट के लिए लेकिन डी में रोकर आर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता उसके बाद अगर आप वेट की बात करते हैं हम इसका वेट कम होता है डी का वेट ज़्यादा होता है ठीक है क्योंकि इसमें पार्ट कम होते हैं इसमें एक्स्ट्रा अलग से कैम साफ्ट यूज करते हैं तो इसका वेट बढ़ जाता है इनिशियल टोर्क जो एच ओ एच सी है उसका ज़्यादा होता है जबकि डी ओ एच सी का इनिशियल टोर कम होता है मेंटेनेंस की बात करें मेंटेनेंस जो 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 एस एच ओ एस सी है इसको ईजीली मेंटेन किया जा सकता है इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है जबकि जो डी ओ एच सी है इसकी मेंटेनेंस थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है इसमें नंबर ऑफ पार्ट्स ज़्यादा होते हैं परफॉर्मेंस की बात करते हैं एस ओ एच सी की परफॉर्मेंस कम होती है डी की परफॉर्मेंस बढ़िया होती है वाल्व टाइमिंग की अगर हम बात करें क्योंकि जो वाल्व टाइमिंग है उसका इफ़ेक्ट पड़ता है इंजन की परफॉर्मेंस पर जो वाल्व टाइमिंग है वो डी के केस के में बेटर होती है लेकिन एस के केस के में जो वाल्व टाइमिंग है वो डिस्टर्बड होती है क्योंकि इस केस में हम सिंगल कैमसाफ्ट का इस्तेमाल करते हैं नॉइस की बात करें एस एच ओ एस ओ एच सी में नॉइस ज़्यादा होती है जबकि डी एक प्रकार से साइलेंट ऑपरेशन करता है एयर फ्लो की अगर हम बात करते हैं एयर फ्लो डी में ज़्यादा होता है एस ओ एच सी के कंपेरिजन में अगर ओवरऑल कॉस्ट की बात करते हैं एस ओ एच सी की कोस्ट कम होती है और डी ओ एच सी की कॉस्ट ज़्यादा होती है तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कैम साफ्ट के बारे में कैम्पाफ्ट का मेन कार्य क्या होता है इसका मटेरियल क्या होता है इसकी मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है ये कितने टाइप का होता है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक like कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ स्टूडेंट्स के साथ और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे